तो गाइस हो सकता है काफी समय से एक ही मूवी देख के कोई नई मूवी नहीं आ रही, इस वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हो गए और आपको कोई ढंग की मूवी ना मिल रही हो। इसीलिए आज की इस वीडियो के अंदर मैं मई में आई हुई और आने वाली सबसे बेस्ट मूवीज और सीरीज की बात करूंगा जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएंगी। इसीलिए इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए ताकि आप कोई भी मूवी मिस ना करें। हमारी 9th सीरीज है द मैन हू फेल टू अर्थ। ये सीरीज 2022 में आई एक एक्शन साइंस फिक्शन सीरीज है। इस सीरीज के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक एलियन की जो अपने प्लैनेट से आता है अर्थ पे, क्योंकि इसे एक औरत की तलाश होती है क्योंकि वही औरत इसके प्लैनेट को बचा सकती है। अब वो किस तरह इसके प्लैनेट को बचा सकती है और क्यों इसका प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो रहा है वो आपको देखना है इस सीरीज के अंदर। इस सीरीज को आप हिंदी लैंग्वेज में वूट पर देख सकते हैं। अगर इस सीरीज की रेटिंग्स की बात करें तो इसको 6.4 आउट ऑफ 10 मिले हैं IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी ऑपरेशन माइंडसमेंट। ये मूवी 2021 में आई एक ड्रामा वॉर मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है कुछ सीक्रेट एजेंट्स की जिन लोगों को काम पर लगाया जाता है ताकि ये लोग हिटलर को डिस्ट्रैक्ट कर सके उसके मिशन से, क्योंकि ये लोग एक ऐसा प्लान क्रिएट करने वाले हैं जिसके जरिए ये हिटलर को उसके मिशन से हटा सकते हैं और अपने मिशन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आखिर ये किस तरीके का प्लान बनाएंगे ताकि ये लोग हिटलर को डिस्ट्रैक्ट कर सके वो आपको इस मूवी के अंदर देखना है। इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स USA में देख सकते हैं। इस मूवी को देखने के लिए आपको VPN का यूज करना होगा। इस मूवी को IMDb पर 6.7 की रेटिंग्स मिले हैं और ये मूवी रियल घटना पर आधारित है। तो गाइस एक क्विक अपडेट है हमारे नए चैनल से रिलेटेड, क्योंकि मैंने एक नया चैनल बनाया जिसके ऊपर मैं सिर्फ हॉलीवुड की न्यूज को कवर करूंगा। वहां पे हम हॉलीवुड की अपडेट्स की बात करेंगे, MCU DCU की अपडेट्स की बात करेंगे। कुल मिला के वो पूरा चैनल हॉलीवुड के बारे में जहां पे आपको बिल्कुल फ्रेश और नया कंटेंट देखने को मिलेगा। इस चैनल की ऑडियंस अलग है इसलिए यहां पे मैं उस तरह की वीडियोस नहीं डालूंगा। जितने भी ट्रेलर ब्रेकडाउन और ट्रेलर रिव्यू हैं, जितने भी अपडेट्स हैं, सब आपको उस चैनल पे मिलेंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जल्दी से जल्दी उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी नेक्स्ट सीरीज है लव डेथ एंड रोबोट्स। ये सीरीज 2019 में आई है, एक एनिमेशन शॉर्ट एक्शन सीरीज है। इस सीरीज का 3rd सीजन है जो रिलीज होने वाला है इसी महीने यानी कि 20 मई को। इस सीरीज का सबसे पहला सीजन 2019 में रिलीज हुआ था जिसके अंदर हमें दुनिया के हर तरह के एनिमेशन स्टाइल देखने को मिल जाएंगे। जितने भी दुनिया में एनिमेशन स्टाइल है हर एनिमेशन स्टाइल उस सीजन के अंदर हमें देखने को मिलता है। लेकिन इसका सीजन 2 इतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन सीजन 3 मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि स्टूडियो ने अपनी गलती से तो कुछ ना कुछ सीखा ही होगा। ट्रेलर देख के तो यही लगता है कि इसका सीजन 3 बहुत ज्यादा कमाल का होने वाला है। इस सीरीज की कोई भी स्टोरी नहीं है क्योंकि इस सीरीज के हर एपिसोड की एक अलग स्टोरी होती है, इस वजह से इसकी खुद की कोई स्टोरी नहीं है। तो मैं तो इस सीरीज के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। आप हैं यानी हमें बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर। इस सीरीज को IMDb पे 8.4 रेटिंग्स मिले हैं। आप इसको हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। हमारी नेक्स्ट सीरीज है नाइट स्काई, जो सीरीज 2022 में आने वाली एक एडवेंचर ड्रामा फैंटेसी सीरीज है। ये एक साइंस फिक्शन सीरीज भी है जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक ओल्ड कपल की, जिन लोगों को उनके घर के बैकयार्ड में एक बहुत कमाल की चीज मिलती है जिसके जरिए ये लोग किसी दूसरे प्लैनेट पर ही पहुंच जाते हैं जो प्लैनेट बहुत ज्यादा कमाल का लगता है। लेकिन बहुत से लोगों को इस चीज के बारे में पता लग गया और वो इसे हथियाना चाहते हैं। आगे क्या होता है आप इस सीरीज के अंदर ही देखिए। ये सीरीज हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल नहीं है। ये सीरीज इंग्लिश लैंग्वेज में रिलीज होगी Amazon प्राइम वीडियोस पर 20 मई को। हमारी नेक्स्ट मूवी टॉप गन मैवरिक। ये मूवी 2022 में रिलीज होगी। ये एक एक्शन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलेगी पहली मूवी के बाद की, क्योंकि इस मूवी का पहला पार्ट आया था 1986 में और ये मूवी लगभग 36 साल बाद आई जो कि एक बहुत लंबा पीरियड है। तो ऐसे में क्या मूवी हमारे सामने कुछ नया प्रेजेंट करेगी या नहीं वो इस मूवी के अंदर देखना होगा। ट्रेलर देख के तो मूवी बहुत ज्यादा कमाल की लग रही है क्योंकि जिस तरीके से इस मूवी को शूट किया गया वो मुझे बहुत ज्यादा कमाल का लग रहा है ट्रेलर को देखकर। लेकिन इस मूवी के अंदर एक मिशन की बात की गई है, कहा गया कि इस तरह का मिशन आज तक कभी भी किसी ने भी नहीं किया है। तो इस बारे में मुझको काफी ज्यादा डाउट है क्योंकि हर बार यही कहा जाता है हर मूवी के अंदर कि इस तरीके का मिशन आज से पहले किसी ने भी कभी भी नहीं किया है। तो क्या सच में ऐसा कोई मिशन हमारे सामने प्रेजेंट किया गया नहीं वही इस मूवी के अंदर देखना होगा। वैसे मूवी हिंदी लैंग्वेज में रिलीज होगी 27 मई 2022 को सिनेमा हॉल्स के अंदर, तो आप वहां पर इस मूवी को देख सकते हैं। हमारी नेक्स्ट सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4। इसका सबसे पहला सीजन 2016 में आया था। वैसे इस सीरीज को किसी भी तरह के इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, एक ड्रामा फैंटेसी हॉरर सीरीज है। अगर आपको हॉरर मूवीज पसंद है, फैंटेसी मूवीज पसंद है, एडवेंचर मूवीज पसंद है, ड्रामा साइंस फिक्शन एक्शन मूवीज पसंद है तो ये सीरीज आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। वैसे काफी समय से लोग इसके सीजन 4 का वेट कर रहे थे और फाइनली अब इसका सीजन 4 आ गया जो 27 मई को रिलीज होगा हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर। वैसे इसके सभी सीजन हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर, आप उनको वहां पर देख सकते हैं। हमारी नेक्स्ट सीरीज ओबी वैन केनोबी। ये सीरीज 2022 में रिलीज होगी। एक एक्शन एडवेंचर साइंस फिक्शन सीरीज है जिस सीरीज के अंदर हमें जडाई मास्टर ओबी वैन केनोबी की स्टोरी देखने को मिलेगी यानी उनके जवानी के दिन देखने को मिलेंगे। वैसे मैं स्टार वॉर्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता क्योंकि मैंने इनकी मूवीज सिर्फ देखने के लिए देखी है, उसके अंदर बहुत ज्यादा घुस के उस मूवी को नहीं देखा। जितना मैं MCU के बारे में जानता हूं उसके कंपैरिजन में आई थिंक 1-2% ही जानता हूंगा स्टार वॉर्स के बारे में, इसीलिए मैं ज्यादा डिटेल्स तो नहीं दे सकता इस सीरीज के बारे में। वैसे जो लोग काफी अच्छी तरीके से जानते हैं स्टार वॉर्स को
उन लोगों को तो पता ही होगा कि इसके अंदर उनको क्या देखने को मिलेगा। ये सीरीज भी 27 मई को ही रिलीज होगी हिंदी लैंग्वेज में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। हमारी नेक्स्ट सीरीज है ओजार्क, जो सीरीज 2017 में आई थी और इसका सीजन 4 2022 में रिलीज हो गया। ये क्राइम ड्रामा थ्रिलर सीरीज है। वैसे इसके बारे में मुझे नहीं लगता कि मुझे बताने की जरूरत है, हर किसी को पहले से ही पता होगा इस सीरीज के बारे में क्योंकि ये बहुत पॉपुलर सीरीज है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इस सीरीज का। इसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक आदमी की जो कि एक बहुत बड़े क्राइम लॉर्ड के ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करता है, लेकिन इसके साथ ही उस पैसे को खाने की कोशिश करते हैं, उसे धोखा देने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो सबको मारना शुरू कर देता है और इसको भी मारने आ रहा होता है। लेकिन ये उसके सामने एक बहुत कमाल की डील रखता है। बोलता है कि मुझे तुम कुछ समय तुम्हें ओजार्क जाके तुम्हें 500 मिलियन लगभग 500 मिलियन डॉलर कमा कर दूंगा जहां तक मुझे याद है। तो वो क्राइम लॉर्ड मान जाता है और इसे समय देता है और कुछ पैसे दे देता है कि तुम जाओ और मुझे 500 मिलियन डॉलर कमा के दो। तो आगे क्या होता है वो आपको इस सीरीज के अंदर देखना है। ये सीरीज हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है, आप इसको नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। इसको रेटिंग्स में 8.5 आउट ऑफ 10 आईएमडीबी पर। हमारी फर्स्ट मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस जो 2022 में आई, एक एक्शन एडवेंचर फैंटेसी मूवी है। इस मूवी के बारे में भी मुझे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं क्योंकि सब लोग पहले से ही जानते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज के बारे में। क्योंकि अगर आप एमसीयू के फैन हैं तो आपने एंड गेम देखी होगी, इन्फिनिटी वॉर देखी होगी, उसके अंदर तो हमें डॉक्टर स्ट्रेंज से इंट्रोड्यूस कराया ही गया था और थॉर लव एंड थंडर के अंदर भी कराया गया था। तो ये डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी जो 2016 में आई थी उसका सीक्वल है यानी सेकंड पार्ट है, जिसके अंदर हमें डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स का सफर करते हुए नजर आएंगे। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है, आप इसको थिएटर्स के अंदर देख सकते हैं। इस मूवी को रेटिंग्स में 7.4 आउट ऑफ 10 आईएमडीबी पर। सो गाइस आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।